हाय फ्रेंड्स, करेंट अफेयर्स की नवंबर 2018 की सीरीज़ के साथ मेरी ये पहली वीडियो है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रचारित हौसला 2018 समाज के निम्नलिखित वर्ग में से किसे समर्पित है? मिड डे मील स्कीम के तहत बच्चे, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाएँ, बच्चों की देख रेख करने वाली संस्थान, इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है बच्चों की देख रेख करने वाली संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन CCI में रहने वाले बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय त्यौहार हौसला 2018 निम्नलिखित में से किसके तहत एक कार्यक्रम है? गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बी और सी। सही जवाब है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2018 में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ओपी रावत, सुनील अरोड़ा, अंशुल मिश्रा, बी चंद्रकला। तो सही जवाब है सुनील अरोड़ा। सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा अब देश के अगले चुनाव आयुक्त चुन लिए गए हैं। पूर्व IAS अधिकारी सुनील अरोड़ा को 31 अगस्त 2017 को भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। तो सही जवाब है 6 वर्ष। ऐसा नहीं है कि ये 6 वर्ष ही होगा, कार्यकाल 6 साल या 65 साल की आयु तक का है, जो भी पहले पूरा हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 2018 को भारत ने कर चोरी की रोकथाम के लिए द्विपक्षीय कर संधि में निम्नलिखित में से किस देश के साथ संशोधन किया है? इंडोनेशिया, सिंगापुर, चीन, ब्राजील। सही जवाब है चीन। भारत सरकार और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने 26 नवंबर 2018 को दोहरे कराधान से बचने के लिए द्विपक्षीय कर संधि में संशोधन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया प्रत्यक्ष कर कानून तैयार करने के लिए गठित टास्क फोर्स के संयोजक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बी चंद्रकला, अरोड़ा सुंदरजन, केजी तिवारी, अखिलेश रंजन। सही जवाब है अखिलेश रंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बैंक सस्ते क्रेडिट और ब्याज अनुदान के लिए पैसा पोर्टल की नोडल एजेंसी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। सही जवाब है इलाहाबाद बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नासा अंतरिक्ष यान 26 नवंबर को मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा है? जूनो, स्पिरिट, ओरियन, इनसाइट। सही जवाब है इनसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द dictionary.com द्वारा वर्ड ऑफ 2018 के रूप में चुना गया है? डिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक, गाजा। सही जवाब है मिस इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल सोशल मीडिया पे इतनी फेक न्यूज़ चलती हैं, उसको देखते हुए वर्ड ऑफ 2018 चुना गया है dictionary.com द्वारा। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि फेक न्यूज जो फैलती है, तो फेक वर्ड को इसमें फेक में कन्फ्यूज़न होगा। तो इसमें आपको बता दे जाना चाहता हूँ कि कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर फेक है, गलत है, तो उसको मिस इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं। तो आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा, फेक की जगह मिस इन्फॉर्मेशन ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 21 नवंबर, 26 नवंबर। तो इसका सही जवाब है 26 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजनेता में से किसका हाल ही में निधन हो गया जो केंद्रीय रेल मंत्री थे? 1991 से 1995 तक ये केंद्रीय रेल मंत्री रह चुके हैं। CP जोशी, मुकुल राय, दिनेश त्रिवेदी, CK जाफर शरीफ। तो सही जवाब है CK जाफर शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, ONGC, रिलायंस पेट्रोलियम। तो इसका सही जवाब है इंडियन ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महिला क्रिकेटर में से किसे ICC महिला विश्व 2020-11 के कप्तान के रूप में चुना गया है? तो इसका सही जवाब है हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपने वैश्विक सतत शहरों 2025 पहल में भाग लेने के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का चयन किया गया है? नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मुंबई, ए और बी दोनों। तो सही जवाब है ए और बी दोनों, यानी नोएडा और ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने महिला विश्व 2020-2018 का खिताब जीता है? तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान। इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। इस विश्व कप T20 में इंग्लैंड ने भारत को सेमीफाइनल में हराया और ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को फाइनल में हरा कर ये खिताब जीता।